नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। भावभक्ति भरा परिवेशर आमर एही अनन्य कार्यक्रम भक्ति जिज्ञासा को स्वागत जनाउछि। मु आयुष्मान मनरे पुणी एक जिज्ञासामूलक प्रश्न आज्ञा एवं तार अति सरल भावे उत्तर रखिया पई आम सहित उपस्थित अछन्ति पंडित श्री राजेश महापात्रा सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तबे श्री गुंडीचा यात्रा विषय आम समस्त जानिछु, समस्त अवगत। तबे शाक्त परंपरा रे मध्य गोटे गुंडीचा यात्रा रो उपाख्यान रहिछि। तबे शाक्त गुंडीचा यात्रा टी कोन? आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मयघन शरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटियसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगन्नाथ महाप्रभु तंकर से क्षेत्र रे अनेक प्रकार लीला अछि। आउ से लीला देवता मानंकु मध्य जणा नाही, अगोचर से लीला महिमा देवे अगोचर देवाह न जानन्ति। सेपरि भावरे केते आहुरी अनेक रहस्य अछि जहाँ केही जानि नाहान्ति। सेपरि भावरे महाप्रभुंकर श्रीमंदिर नीति बहुल मंदिर एवं श्रीमंदिर भितरे जेतिकि नीति जेतिकि पूजा जेतिकि विधि जे भली भावरे परंपरा आउ अन्यत्र आपण कोठी देखिबा पई पाइबे नाही। तेणु सेहीपरि भावरे जो शाक्त गुंडीचा, शाक्त गुंडीचा कहिले निश्चित भावरे आमे गुंडीचा शब्दटिकु आमे जानिचे काहिंकि ना महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध श्री गुंडीचा यात्रा गुंडीचा महोत्सव। गुंडीचा राणी होउछंती इंद्रदमनंकर पत्नी गुंडीचा राणी, तेणु समस्ते जानन्ति। किंतु ये शाक्त गुंडीचा कौन? शाक्त कहिले शक्तिंकर उपासक मानंकु शाक्त बोली कहा जाए। शाक्त एक परंपरा, शाक्त एक संप्रदाय, शैव वैष्णव गाणपत्य सौर एवं शाक्त। तो गुंडीचा शब्द सहित ये शाक्त शब्द को ये संयोग करा जाइछि, शाक्त गुंडीचा बोली कहा जाए। श्री गुंडीचा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया श्री गुंडीचारे महाप्रभु रथारूढ़ हुवंती। महाप्रभुंकर ये त्रिभुवन रे प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रथे तो बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाप्रभु को दर्शन करी थांती भक्त माने रथ उपरे बामन रूपी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करी धन्य हे थांती। किंतु ये शाक्त गुंडीचा कौन? शाक्त गुंडीचा होची दुर्गा एवं माधवंकर उपासना। दुर्गा एवं माधवंकर एकाकी उपासना एवं स्वतंत्र भाव श्रीमंदिर विजय होकरी नारायण मंदिर पूरी दोलमंडप साही आपण अद्यावधि सिंहद्वार सम्मुखें जो रास्ता रही संपूर्ण भाव ठीक मंदिर सामनारे से साही को दोलमंडप साही बोली कहा जाए। एवं महाप्रभुंकर ये पूरी सात साही स्वतंत्र भाव अच्छा जहाँकि विशेषकर सेवक मैने बसवास करती। महाप्रभुंकर सेवक मैंने होती पूरी मूल बासिंदा, कारण महाप्रभुंकर मंदिर पूर्वर तो से क्षेत्र एक निकंचन अरण्य होकरा मूल बासिंदा होती महाप्रभुंकर सेवक मैंने। तेणु सेवक मैंने जो साई में बसवास करती सात साई परंपरा यू रही तो दोलमंडप साई, दोलमंडप साई एक मंदिर रही नारायण मंदिर। से मंदिर को दुर्गा एवं माधव एकाठी होकरी जामती सेठी स्वतंत्र भाव विधि नीति अनुष्ठित होता है। तो ये शाक्त गुंडीचा देखु, शाक्त गुंडीचा कहले दुर्गा एवं माधवंकर उपासना आउ अन्यत्र कोठी देखापी मिले ना। किंतु ये गोटे विचित्र कथा, कारण सबु व्यतिक्रम को अतिक्रम कर महाप्रभु माने जहाँ आउ अन्यत्र कोठी आप देखिए ना, केवल महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में महाप्रभु जितेबले श्री गुंडीचा को जामती माने श्री गुंडीचा को जानती लक्ष्मी सांतानी को नहीं नथा। लक्ष्मी सांतानी को छाड़ी देकर महाप्रभु भाई भौणी संगे यात्रा करी थांती। तेणु जिते बड़े महालक्ष्मी जो आसिक नीलाद्री विजय दिन महाप्रभु प्रवेश करती माँ पचारती कड़े जा इंद्रचंद्र जम नईरुत वरुण सुर सिद्ध विद्याधर तुमको आसती दर्शन करने प्रभु गुंडीचा बाड़ी को आपण कौन पाई जाते कौ दिय देखा प्रभु आपण जाते आपण को पूरा देखापी सकल देवता मैंने आसुंट पुणी आपण कौ दिय देखापी जाते हे महाप्रभु। से बेले महाप्रभु कहती हे देवी लक्ष्मी तुमर मोर आउ गोटे गुंडीचा जात्रा को जीवा जहाँ को गुप्त गुंडीचा शाक्त गुंडीचा बोली कहो। तेणु ये उपासना आपण कभी दुर्गा सहित तो जाऊँगी महाप्रभु दुर्गा केमती लक्ष्मी हेले निश्चित भाव से ही जो स्वतंत्र उपासना विमला एवं जगन्नाथ महाप्रभु को केन्द्र करी क्षेत्र में दुर्गा माधव उपासना शाक्त गुंडीचा मूलाष्टमी
माने अर्थात आश्विन कृष्ण अष्टमी ठारु ये परंपरा ये पूजा आरंभ दुर्गा माधवंकर बाहर विजे स्वतंत्र भाव नारायण मंदिर से स्थान में बंदापना आलती पूजा इत्यादि समस्त नीति अनुष्ठित होता है। तेणु शाक्त गुंडीचा परंपरा दुर्गा माधव उपासना ये केवल श्रीक्षेत्र परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखा मिले एवं यही पूजा को यही परंपरा को ये समय रे दुर्गा माधवंकर जो यात्रा को शाक्त गुंडीचा बोली कहा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करूँ आपण मानक समस्त मनर ये प्रश्नटी निश्चय भाव दूर हो जा तेरे वर्तमान पर तो समय हो जामको विदाय ने पड़ो पुणी थे फेरबू आउ एक जिज्ञासामूलक प्रश्न एवं तार अति सरल व्याख्या सहित रहुचु। नमस्कार।